हृदय मानव परिसंचरण तंत्र में हृदय का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि हृदय बेसिकली डबल पंप की तरह कार्य करता है, है ना। डबल पंप कैसे कि जो शुद्ध रक्त होता है उसको पूरे शरीर में ये भेजता है, और जो अशुद्ध रक्त होता है उसको ये फेफड़ों में भेज देता है। ठीक है, तो इसमें इसके जो अंग हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखिए। आपको इस तरह से एक संरचना बनानी है, ऐसे और ऐसे, है ना, पत्ते की तरह, ऐसे और ऐसे। अब इसमें आपको क्या करना है, एक धमनी यहाँ जाएगी, ठीक है, जिसे हम महाधमनी कहेंगे, ओके। और ये क्या है, ये फुफ्फुसीय धमनी है, है ना, ये प्रमुख धमनी है, महाधमनी, और ये फुफ्फुसीय धमनी है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये धमनी रक्त को कहाँ ले जाती है, फेफड़ों में लेके जाती है, ठीक है, जो अशुद्ध रक्त होता है उसे, है ना। यहाँ पर एक एंट्री होगी ब्लड की, है ना, कौन से ब्लड की एंट्री हो रही है, जो फेफड़ों से आ रहा होगा, यहाँ से फेफड़ों को जा रहा होगा, यहाँ से फेफड़ों से आ रहा होगा, फेफड़ों को जाएगा तो कौन सा ब्लड जाएगा, कौन सा रक्त जाएगा, जो अनऑक्सीकृत होगा, ठीक है, और यहाँ से जो आएगा वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड आएगा। अभी मैं इसका फ्लो आपको आगे भी बताऊंगी। तो सबसे पहले ये कहाँ आएगा, बाईं तरफ, ठीक है, ये आपको, ये हृदय का बायां पार्श्व है। बायां पार्श्व क्यों है, जब आप, अगर आपके सामने कोई इंसान खड़ा है तो उसका दिल तो इसी शेप में होगा ना, और आपके राइट हैंड पर उसका लेफ्ट पार्ट होगा, समझ में आ रहा आप लोगों को, ठीक है, तो इसलिए ये बायां पार्श्व होगा और ये दायां पार्श्व होगा। तो जब आपका दायां हाथ है वहाँ हृदय का बायां पार्श्व आ जाएगा। समझो आपके सामने एक हृदय रखा हुआ है ऐसे फिस्ट फॉर्म में, तो उस हृदय का ये कौन सा पार्ट होगा, बायां पार्ट, ठीक है, इसमें गलती मत करिएगा। जो बायां जो पार्श्व होगा उसकी संरचना देखिए, यहाँ पर फुफ्फुस से शिरा होगी, ठीक है, यानी फेफड़ों से जो रक्त है वो फुफ्फुसीय शिरा से कहाँ पर आएगा, बाएं आलिंद में, ये क्या है, बायां आलिंद, ठीक है, ये एक वॉल्व V1 है, ये बायां निलय है। जब ये बायां आलिंद में आएगा तो बायां आलिंद फैल जाएगा, और उसके बाद बायां आलिंद के फैलने के बाद में फिर इसमें ब्लड आ जाएगा और ये वॉल्व V1 बंद हो जाएगा, उसके बाद ये सिकुड़ेगा, सिकुड़ने के बाद वॉल्व V1 खुल जाएगा और ये बाएं निलय में ये रक्त प्रवेश कर जाएगा। बाएं निलय से जब दोबारा से, ये वाला वॉल्व V3 उस टाइम बंद रहेगा, लेकिन जब दोबारा बाएं निलय जब सिकुड़ेगा तो ये रक्त प्रमुख धमनी यानी महाधमनी द्वारा जो है वो शरीर के सभी भागों में चला जाएगा। इस प्रकार से जो शुद्ध रक्त है वो इधर से ना फुफ्फुस शिरा से आकर और बाएं निलय में आएगा, बाएं निलय से V1 वॉल्व खुलेगा, पहले तो बायां आलिंद आएगा, बायां आलिंद जो है वो फैलेगा जब रक्त इसमें भरेगा और ये V1 वॉल्व बंद हो जाएगा। जब आपका बायां आलिंद जब सिकुड़ेगा तो वॉल्व V1 खुल जाएगा और ये जो रक्त है वो ऑक्सीजन रक्त बाएं निलय में आएगा, फिर ये फैल जाएगा, इसके फैलने के बाद जब ये सिकुड़ेगा तो ये जो वॉल्व V3 है ये खुल जाएगा और ये महाधमनी द्वारा पूरा रक्त पूरे शरीर में फैल जाएगा जो ऑक्सीजनीकृत होगा और हमारे शरीर की हर कोशिका तक ये पहुंच जाएगा। यहाँ जो आपकी, आपको जो दायां पार्श्व जो दिखाई दे रहा है इसमें क्या होगा, देखिए जैसे आपने यहाँ एक पाइप बनाई, यहाँ पे भी एक पाइप बनानी है जो फुफ्फुसीय धमनी है। इसका नाम फुफ्फुसीय धमनी क्यों है, क्योंकि ये फुफ्फुस की तरफ, फेफड़ों की तरफ रक्त को लेकर जाएगी। ये फुफ्फुस से शिरा थी क्योंकि ये फेफड़ों से रक्त को ला रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, महाशिरा है, जहाँ से सारा का सारा जो अशुद्ध रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एंट्री करेगा, दायां आलिंद में आएगा, दायां आलिंद जो है वो फैल जाएगा और यहाँ पे रक्त भर जाएगा, फिर ये सिकुड़ेगा और उस टाइम पे ये वॉल्व V2 पहले तो बंद होगा, जब ये सिकुड़ेगा तो वॉल्व V2 खुल जाएगा, तो ये दायां निलय में ये रक्त आ जाएगा, ठीक है, फिर ये फैल जाएगा, फिर वापस जब ये, और उस टाइम V4 बंद होगा, जब ये वापस सिकुड़ेगा तो V4 वॉल्व खुल जाएगा, ठीक है। तो V4 वॉल्व खुल गया तो V4 वॉल्व के थ्रू जो अशुद्ध रक्त है वो फेफड़ों को चला जाएगा, है ना। तो यहाँ V1 वॉल्व, ओके, ये V2 वॉल्व, ओके, ये V3 और ये V4।
इस तरीके से, और ये इसका कोष्ठपट है जो दाएं पार्श्व और बाएं पार्श्व को अलग अलग रखता है। ठीक है, अब इसका परिवहन देखिए कैसा होता है। ठीक है, जब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये फेफड़े हो गए नंबर वन, फेफड़े से जो फुफ्फुस से शिरा है उससे ऑक्सीजनकृत बाया लिंद में आया, बाया लिंद से नंबर टू बाएं नीले में आया, बाएं नीले से फिर महाधमनी द्वारा, ये देखिए यहाँ से फुफ्फुस से शिरा से फेफड़ों से ये जो ब्लड आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है? फेफड़ों से। कहाँ से? फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो यहाँ से एंट्री कर रहा है, यहाँ से बाएं लिंद में आया, बाएं लिंद से फिर बाएं नीले में आया, बाएं नीले से फिर महाधमनी द्वारा ये शरीर के सभी भागों में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर सब भागों में चला गया। अब सब भागों में जाके क्या होता है, ये हर कोशिका तक पहुंच जाता है और हर कोशिका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। अब ये जो सारी कार्बन डाइऑक्साइड और सारी जो गंदगी है उन सबको लेकर ये जो रक्त है, जो अशुद्ध रक्त है, वो प्रमुख शिरा यानी महाशिरा से एंट्री करता है दाएं पार्श्व में। तो यहाँ से एंट्री करी और यहाँ पर ये दाएं आलिंद में आया, फिर दाएं आलिंद से पहले ये वॉल्व बंद था, फिर ये जब ये सुकड़ेगा दाएं आलिंद तो ये वॉल्व V2 खुल जाएगा, दाएं नीले में आएगा, दाएं नीले से ये जब ये V4 वॉल्व खुल जाएगा, जब ये सुकड़ेगा तो V4 वॉल्व अपने आप खुलेगा, V4 वॉल्व के थ्रू ये फुफ्फुस से धमनी द्वारा ये जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त या अनऑक्सीकृत रक्त, ये आगे कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों को। फेफड़ों में क्या होता है? श्वसन होता है और श्वसन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नासिका से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन हमारे रक्त में वापस आ जाती है, वापस वो जो शुद्ध रक्त है वापस इस फुफ्फुस से शिरा द्वारा वापस आपके बाएं आलिंद में प्रवेश कर जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये जो फ्लो है अब आपको समझा देती हूँ फिर से। फेफड़ों से फुफ्फुस से शिरा द्वारा ऑक्सीजनकृत बाएं लिंद में आया, बाएं लिंद से बाएं नीले में आया, बाएं नीले से वो जो महाधमनी थी ऊपर की तरफ आपको ध्यान होगा ऑक्सीजनकृत शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा, शरीर के सभी अंगों से जो अशुद्ध रक्त था वो वापस मैंने आपको बताया था महाशिरा द्वारा वापस दाएं लिंद में एंटर कर जाएगा, दाएं लिंद से दाएं नीले में जाएगा और फिर दाएं नीले से ये वापस वी ऑक्सीजनकृत रक्त फेफड़ों में चला जाएगा। ठीक है, इसको समझने का ट्राई करिए। अशुद्ध रक्त महाशिरा से आया, अनऑक्सीकृत रक्त ये महाशिरा से आया, महाशिरा से कहाँ पे आया? दाएं आलिंद में, फिर दाएं नीले में, फिर यहाँ से अशुद्ध रक्त आपका कहाँ चला गया? फेफड़ों में। फिर फेफड़ों में क्या हुआ? श्वसन हुआ, फिर ऑक्सीजन CO2 बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन अंदर आई और ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो वापस कहाँ पे प्रवेश कर गया? फुफ्फुस से शिरा द्वारा वापस बाएं आलिंद में प्रवेश कर जाएगा, बाएं आलिंद से बाएं नीले, बाएं नीले से वापस शरीर के सभी भाग। तो आई होप आपको इससे मदद मिलेगी। धन्यवाद।